डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ में बीते कुछ दिनों से तेंदुए के होने की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे पूरे शहर में खौफ का माहौल है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी तक तेंदुए को लेकर कोई सख्त कार्यवाही नहीं कर रही है। आज मेरठ के जागृति विहार कॉलोनी में तेंदुए को देखा गया है, जिससे एक बार फिर दहशत का माहौल है। दरअसल मामला जागृति विहार कीर्ति पैलेस के पुल का बताया जा रहा है। पुल के पास में प्रधान डेयरी है। डेयरी वालों ने तेंदुए को देखने का दावा किया है। इससे पहले भी मेरठ की कई जगहों जैसे टीपी नगर, कमला नगर, गांधी बाग पर तेंदुए को देखे जाने की आशंका जताई गई है। देखिए आज का यह वीडियो। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।